एक नंबर की मूवी थी जुमा, एक नंबर की गच्च, देखो गच्चट मूवी है, एक नंबर की। अच्छी एक्सपेक्ट करके आई थी और पर बहुत फन मिला, बहुत ही फनी एक्सप्रेशन थी और एक सेकंड भी ऐसे नहीं लगा हम बोर हुए। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर, इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। तो जैसे मेरे पीछे लगे पोस्टर को देखकर आपको मालूम हो गया होगा कि अभी फिलहाल हम लोग सन सिटी सिनेमा में मौजूद हैं, जहां पर हाउसफुल 4 मूवी लगी हुई है। तो लोगों से मिलकर जानेंगे कि किस तरह की मूवी है। हालांकि ट्रेलर को देखकर तो लगा था कि कॉमेडी मूवी भी होगी, हिस्टोरिकल भी होगी, लेकिन जो लोग कॉमेडी के शौक रखते हैं और हिस्टोरिकल मूवी के शौक रखते हैं उनके लिए तो ये चांदी हो गई, क्योंकि इस मूवी में आपको दोनों चीज़ ही देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं दर्शकों की तरफ और जानते हैं कि किस तरह की मूवी है ये और कैसी लगी आपको। फैमिलियर है नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में भी, तो इन क्वेश्चंस का सलूशन है हमारे दर्शकों के पास जो अभी मूवीज को देखकर आए हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे साथ वो दर्शक जुड़े हुए हैं जो हाउसफुल 4 मूवी को भी देखकर आए हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करूंगी सिटी बिग न्यूज में। थैंक यू, वॉज वेरी नाइस मूवी, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बट we enjoyed it. Firstly, is it was is it family or what? No, it's family movie. Okay. It's nothing like that and that, but it's a family movie and it was very interesting. मतलब जैसे हमने ट्रेलर को देखा था तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो क्या मतलब वही जो चीज आप एक्सपेक्ट करके गए थे उसमें देखने के लिए वही चीज आपको देखने को मिली? Firstly, it was somewhat like boring, but after then it was interesting. What was the interesting part of this movie? Like in Akshay Kumar, वो हर दो मिनट बाद भूल जाता था, that was the main part जो सबसे interesting था। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे हाउसफुल मूवी का 4 मूवी का हमने ट्रेलर देखा तो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही थी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, इसके अंदर जो स्टोरी थी, जो कास्ट थी, मतलब बहुत ही फनी एक्सप्रेशन थी और एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा हम बोर हुए। Okay. मतलब 3 आवर्स पता ही नहीं लगा कब बीत गए, मतलब बहुत बढ़िया मूवी लगी हम। तो आप ये मूवी के ट्रेलर को देखकर आए हैं या फिर अक्षय जी के आप बहुत बड़े फैन हैं? दोनों ही बातें हैं। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे, किस तरह की मूवी है, देखने आना चाहिए नहीं देखने आना चाहिए? ये फैमिली मूवी है एक तरह से, आप सब देखने आए, बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत फनी मूवी है, सब देखने। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मूवी काफ़ी अच्छी थी, बहुत फनी थी और अक्षय कुमार की एक्टिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। Okay, तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था इस मूवी का? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगा वो अक्षय कुमार की एक्टिंग थी, बहुत अच्छी। Okay. बहुत फनी एक्टिंग थी। Okay. तो इसके अंदर मतलब ऐसा कौन सा मेन पार्ट आपको लगा कि जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मेन पार्ट जो लास्ट में जो क्लाइमेक्स वाला पार्ट था वो काफ़ी फनी था, जब सबको याद आता है कि वो क्या 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 थे वो लास्ट में। हाँ, तो फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वही है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ और भी दर्शक जुड़े हुए हैं जो अभी हाउसफुल 4 मूवी देखकर आए हैं, तो इनसे मिलकर जानते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। जी सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस हाउसफुल मूवी 4 के बारे में? मूवी बहुत एक्सीलेंट है जी। इसमें अक्षय कुमार का बहुत अच्छा अहम रोल दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा है। क्या क्या एक्सपेक्ट करके आए थे आप इस मूवी के लिए और क्या देखने को मिला? नहीं, कॉमेडी एक्सपेक्ट किया था, जो इनका एक हिस्टोरिकल जो था प्लेस का उसका पूरा इन्होंने रिव्यू किया हुआ है, हम बहुत पहले से इसके वो देख रहे थे। हाँ जी, तो जैसे आपने ट्रेलर के अंदर देखा जो आपने एक्सपेक्ट किया ट्रेलर से, तो वैसी ही मूवी है या फिर कुछ हटके है या फिर इससे भी ज्यादा बिंदास है? नहीं, ट्रेलर से बढ़िया था, रितेश और अक्षय का काम बढ़िया लगा इसमें। तो आप एक बात और बताइए, आप मूवी को देखकर यहाँ पर आए हैं या फिर अक्षय जी को देखकर यहाँ पर आए हैं? नहीं नहीं, अक्षय ऐसी कोई बात नहीं है, कॉमेडी के तौर पर ही आया था, बाकी कॉमेडी अच्छी थी। एक बात और आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कुछ कुछ मूवीज होती है जिसमें जो फैमिली के साथ देखने लायक नहीं होती, ये किस तरह की मूवी है? फैमिली के साथ देख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं। हाँ जी, तो बताइए किस तरह की मूवी थी? बहुत बढ़िया मूवी है मैम, बहुत ही बढ़िया मूवी। अक्षय कुमार है, बॉबी देओल है, देशमुख जी है, तो बड़ी फनी मूवी है। एक्सपेक्ट यही करके आए थे कि कुछ जाके फनी देखने को मिलेगा या फिर कुछ और? बहुत इंजॉय करा मूवी को, और अक्षय कुमार हो गया जहाँ तो फिर मजा तो आना ही था। एक हरियाणवी में कोई डायलॉग बोल दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, ताकि आपके डायलॉग को सुनकर वो मूवी देखने के लिए जरूर आए। हरियाणवी डायलॉग तो इस मूवी में तो कोई ऐसा डायलॉग अच्छा। हाँ, एक नंबर की मूवी थी जुमा, एक नंबर की गच्च, देखो गच्चट मूवी है, एक नंबर की। चाहो अक्षय कुमार जी की मूवी है तो अपना देशभक्त भाई है, तो देखो मूवी सारे और हिट करो मूवी ने। वेरी नाइस मूवी, वेरी नाइस, वेरी हैपनिंग। I expect कि lot of fun होगा, actually बहुत ही ज़्यादा fun था, it's very nice। हाँ, तो जैसे a lot, कैसी लगी आपको मूवी? Very nice। क्या आप अक्षय जी के फैन है या फिर इस मूवी के फैन है? मूवी के, अक्षय जी के फैन नहीं है? थोड़ी सी, अगर वो आपको देख रहे होंगे तो फिर उनको बुरा लग जाएगा। अच्छा, ये बताइए मूवी कैसी लगी आपको? अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या क्या एक्सपेक्ट करके आए थे और क्या देखने को मिला?
अच्छी एक्सपेक्ट करके आई थी पर बहुत फन मिला। आगे भी देखना चाहेंगे ऐसी ऐसी मूवीज? ओके। किसको आप थैंक यू बोलना चाहेंगे मूवी दिखाने के लिए? मम्मा पापा को। मम्मा और सनसिटी को। तो अभी मेरे साथ वो दर्शक जुड़े हुए हैं जो मूवी अभी देखने जा रहे हैं, तो इनसे मिलकर जानते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी से। जी सर बताएं प्लीज। मैम ये एक्चुअली मेरा शौक रहा है कि मैं लगातार मूवियाँ देखता रहूं और स्पेशली अक्षय कुमार का फैन हूं, तो इसलिए ये मूवी देखने आया हूं। बाकी दूसरा एक मसाला फैक्ट्री इसमें ये है कि कॉमेडी मूवी है, दैट्स व्हाई आई चूज दिस मूवी। तो आपने जैसे ट्रेलर देखा है तो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ट्रेलर से ज़्यादा बढ़ के मिलेगी या फिर? ट्रेलर से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेलर से ज़्यादा, क्योंकि अक्षय कुमार की मूवी हमेशा मतलब एक्शन प्लस कॉमेडी होती है, बट इसमें कॉमेडी का कुछ ज़्यादा मसाला है, तो आई थिंक लॉट मोर देन आई एक्सपेक्ट। आपसे मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जानना चाहूँगी, आप मूवी को देखकर यहाँ पर आए हैं फिर अक्षय जी के फैन हैं इसीलिए इस मूवी को देखने आए हैं? बोथ मैम, बोथ बोथ फैक्टर इंक्लूडिंग देयर, लाइक आई रियली रियली गुड फैन ऑफ अक्षय कुमार एज वेल एज आई रियली लाइक दिस मूवी। तो सर जैसे आप अभी हाउसफुल 4 मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? पहले भी हाउसफुल जितने भी मूवीज है वो सारी देखी हैं तो सारी अच्छी लगी हैं, सारी कॉमेडी मूवी है, तो मैं एक्सपेक्ट करके आ रहा हूँ कि काफ़ी कॉमेडियन मूवी होएगी जी। और मैं अपनी वाइफ और बेटे के साथ आया हूँ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी इंजॉय करेंगे मूवी। तो किस तरह की मूवीज़ के आप शौकीन हैं, किस तरह की मूवी देखना आप पसंद करते हैं? हम ऑलमोस्ट सारी मूवी, स्पेशली मैं तो एंटरटेनमेंट मूवी, जो कॉमेडी मूवी होती है जी, वो देखना पसंद करता हूँ। तो जैसे आपके लिए तो चांदी होगी क्योंकि हिस्टोरिकल मूवी भी है और साथ में ये कॉमेडी वाली। हाँ दिवाली वो भी हो गई, सारा मिक्स हो गया, अच्छा है, लग अच्छा रहा है, तो वो आई एम एक्साइटेड। तो जैसे अभी हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, जितना ट्रेलर में दिखाया गया था उससे भी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग मूवी है और ये फैमिलियर मूवी भी है। यदि आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि फैमिलियर होने के साथ साथ कॉमेडी भी है, हिस्टोरिकल भी है, तो इसलिए ज़रूर विजिट कीजिए। आपके सामने फिर से मौजूद होंगी एक नई ताज़ी खबर के साथ जो आपके शहर से जुड़ी हुई होगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।